गोरखनाथ थाना क्षेत्र के सुभाष नगर कॉलोनी के पास बंधे पर मिले अज्ञात शव को एसएसपी जोगिंदर कुमार ने बुधवार को सनसनीखेज खुलासा कर दिया। रिजर्व पुलिस लाइन स्थित मेस सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी जोगिंदर कुमार ने बताया कि बंधे पर मिला अज्ञात शव शातिर अपराधी का था, जिसकी हत्या उसके आपराधिक दोस्तों ने लूट और चोरी की घटनाओं में प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर किया था। उन्होंने बताया कि हत्या के आरोप में अहमद उर्फ अली उर्फ नाटे, पुत्र स्वर्गीय अब्दुल सम्मद निवासी खूनीपुर थाना कोतवाली, इरफान पुत्र अजहर निवासी अजयनगर भट्टा थाना गोरखनाथ, सलीम पुत्र शब्बीर अहमद निवासी भिटनी मदरसा थाना तिवारीपुर तथा गुलजार पुत्र आलम निवासी भिटनी मदरसा थाना तिवारीपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। एसएसपी जोगिंदर कुमार ने बताया कि मृतक राहुल सिंह भी एक शातिर अपराधी था। गिरफ्तार सभी अभियुक्त व मृतक एक ही साथ पूर्व में भी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। वे एक साथ गोरखपुर जेल में भी निरुद्ध रहे हैं, जिसमें गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त अहमद उर्फ अली उर्फ नाटे दिसंबर 2019 में कई वर्षों के बाद जमानत पर जेल से बाहर आया था। मृतक राहुल सिंह दिनांक 22 मई को थाना गोरखनाथ राजघाट के वाहन चोरी के मुकदमे में पैरोल पर आया था और इन लोगों ने एक साथ मिलकर लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। उसी के धन के बंटवारे को लेकर राहुल सिंह की हत्या कर दी गई थी। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्तगण द्वारा घटना में प्रयुक्त आला कत्ल ब्लेड पत्थर का टुकड़ा वहीं पास में रोहिन नदी के पानी में नष्ट करना बताया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी जोगिंदर कुमार ने कहा, और मेन अभियुक्त नाटे ये साथ में जेल के एक ही बैरक में थे, 5 नंबर बैरक में जाने की मित्रता हुई। वहां से बाहर आने के बाद पैसे कमाने के लिए उन्होंने साथ में चोरी और लूट की वारदात करनी शुरू की और इसी क्रम में जो पैसा कमाया गया था इसके बंटवारे को लेकर भी विवाद चल रहा था। अभी एक अच्छी बात ये हुई कि आज के जो दो पीसी किए गए हैं रामगढ़ताल को इसके, इन दोनों में मिले, इसमें आलोक मिश्रा जो बाइक सप्लाई करता था चोरी का, वही बाइक इनको सप्लाई की गई थी जिसके माध्यम से चोरी और लूट किया। तो ये बड़ा कोइंसिडेंस था कि वो भी पकड़ाया और उन्होंने बताया कि आलोक मिश्रा नाम के व्यक्ति से हम 3500 रुपये हमने ग्लैमर खरीदे, उसी के आधार पर ये फिर ये लोग पकड़े गए। वाहन चोर इनसे साथ इन्होंने 3500 रुपये में उन्होंने ग्लैमर ली थी। वो ग्लैमर चोरी के प्रयास के दौरान जब लोगों ने दौड़ा दिया तो ग्लैमर छोड़ के भाग गए थे। ये ग्लैमर लवारिस में पुलिस को मिली थी और ग्लैमर अपने मालिक के पास भी शिनाख्त करके मालिक तक भी पहुंच गई। मगर ये इन दोनों कार्यक्रम इस तरह से लिंक्ड भी थे जो स्ट्रेंजली अभी यहाँ निकल गया है। दोनों सर एक से मिलता जुलता मामला है, दोनों मामला एक दूसरे से मिलता है। अलग अलग जगह काम करते थे मगर अपने चोरी के लिए इनको बाइक चाहिए थी तो चोरी के बाइक के गैंग से उन्होंने बात की, उन्होंने तो 3500 में बाइक मुहैया कराई थी, तो 7 बाइक तो ये मिली, 8वीं बाइक मुझे उन्होंने चोरी की थी। 8वीं बाइक इस मुकदमे में प्रयोग, इस मुकदमे के अभियुक्तों द्वारा प्रयोग की गई। ये साथ में गोविंदगढ़ स्टेशन के पास में खुले में शराब पी गए। इसमें जो मेन अभियुक्त नाटे है उसने 3 जो इसके को अक्यूज है साथ, इन तीनों को उन्होंने शराब पीने के लिए फोन करके बुलाया, इनके फोन से कम्युनिकेशन दिया हमारे पास और जब ये सभी आ गए और ये भी आ गए, अब जो मृतक है ये 5ों बैठे साथ में शराब पिए। शराब पीने के बाद इसको ये बंधे पे ले गए वहाँ पे और शराब पीने के सेंस में, वहाँ पे इन 3 अभियुक्त और मुख्य अभियुक्त जो इसमें हमारा है, इन चारों ने मिलकर राहुल से पैसे के विवाद को लेके एक एक करके इन लोगों ने हाथ पकड़ा पैर पकड़ा और मेन अभियुक्त ने वार करके इस व्यक्ति को घायल किया। घायल करने के बाद ब्लेड का भी प्रयोग किया गया और कीन का भी प्रयोग किया गया। और इसमें एक और चीज़ निकल के आई थी कि पैरोल में छूटने के बाद, ये मई में पैरोल में छूटा था राहुल और मेन अभियुक्त नाटी दिसंबर में ही छूट चुका था, ये फिर साथ में कार्यक्रम अपना करने के लिए किराए का एक मकान लिया था इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, उस मकान के बारे में भी जानकारी मिल गई है और बिना सत्यापन के किराएदारों को रखने के एक और प्रकरण जिसके कारण इस प्रकार की चीज़ निकल के आई है, ये भी एक सामने निकल गया। पहले उसने सर पे चोट मारी पत्थर से, उसके बाद वो मूर्छित हुआ, उसके बाद मैंने अपने ब्लेड से उसका गला काटा और उसके बाद फिर बड़े पत्थर से फिर चोट पहुँचाई। तो इतने बड़े कार्यक्रम हैं तो
क्योंकि इतने तरह की बात की गए इस कारण से क्योंकि चले आपका मगर घटना उसी स्थल पर हो गई जहाँ पे शरीर था। इन लोगों ने बैक टू बैक ये पता खुलासा है करती हूँ उससे इतने चार पाँच दिन तक कंटिन्यूसली खुलासा की है और जो मुख्य घटना थी हमारे शहर की उसे टीपीगंज की रही हो साहब की रही हो चाहे ये मर्डर रहा हो जो बड़ी घटनाएं जैसे कह सकते हैं मर्डर और उन घटनाओं को प्रभाव किया इसको मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। किसी तरह से आगे भी उसने जो काम करता है अच्छा काम किया है हमारे कुछ सब शुभकामनाएं फर्स्ट वर्ष रात दिन मेहनत करके और ये घटना को प्रभाव किया और ये जो घटना है बहुत ही इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसमें अभियुक्त है मृतक भी और मृतक भी मैंने जेल जा चुका है उसके बाद जो अभियुक्त है ये भी अच्छे खास से एक्सप्लोर था इसके लोगों ने इस घटना आगे क्लासेस से आगे घटनाओं में भी रोके गई जिस तरह का ये घटना था इसलिए हम लोग उसको कहते हैं भी कार्रवाई करेंगे और इसको स्पेशली भी खोलेंगे जो ये बातें हैं इसकी एच एस भी खोली जाएगी जो सीट खोली जाएगी एच एस इस घाटे की और घाटे का घाटे को एनएक्स लगाया जाएगा ताकि जो है ये पूरा दोबारा अपराध न करें। ये अच्छा क्रिमिनल है और 20 साल की उम्र है इसकी और ये सबसे बड़ा क्रिमिनल है इसलिए सबसे मतलब जो इस घटनाक्रम में सबसे अच्छा क्रिमिनल ये राहुल जी से छोटा था क्रिमिनल जो राहुल था जो डायरेक्ट में जैसा कहा एक डायरेक्ट में रहकर के इन्होंने फिर क्षेत्र में 27/28 अगस्त 2020 को एक घटना हुई थी। बंदा आया वहाँ पे उस पर बॉडी मिली थी उस घटना को वर्कआउट किया है हमारी सीओ गोरखनाथ की टीम ने उसमें स्वैट क्राइम ब्रांच और थाना गोरखनाथ के लोग लगे हुए थे सभी लोगों ने घटना को वर्कआउट किया है उसमें 4 लोग अरेस्ट किए गए हैं। अरेस्ट होने वालों का नाम है अहमद उर्फ अली इरफान उर्फ अजहर सलीम उर्फ शब्बीर और गुलजार पुत्र आलम ये लोग अरेस्ट हुए हैं और चारों लोग अभियुक्त रहे हैं। एक अभियुक्त इसमें रहा है पहले ये अहमद उर्फ अली उर्फ नाटे ये पहले भी कई मामलों में चोरी के मामलों में लूट के मामलों में जेल जा चुका है। अभियुक्त और जो मृतक है वो दोनों एक साथ जेल में निरुद्ध रहे हैं पहले इस वजह से चोरी और लूट का माल बांटने को लेकर के इनके बीच मनमुटाव शुरू हो गया और जो मृतक है उसके पास कुछ पैसा रह गया था चोरी और लूट का उसी पैसे को ये बार बार मांगते थे और उन्होंने नहीं दिया इस वजह से इन चारों ने मिलकर के इसकी हत्या कर दी और बॉडी जो है बंदे के पास नीचे फेंक दी जो सुनसान एरिया है। बॉडी बरामद होने के बाद उसकी शिनाख्त की कार्रवाई की गई जैसे ही शिनाख्त हुई वैसे ही इसके साथियों को पता लगाया और ये घटना वर्कआउट हुई है और जिसमें 4 लोग अरेस्ट किए गए हैं। चारों में से एक पहले से अच्छा अभियुक्त रहा है इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। सर जो घटना स्थल है वहीं पर किए थे कि और कहीं से लेकर वहाँ डाले थे घटना उसी जगह पे किए थे उसी जगह। तो सर जब मृतक भी अभियुक्त हाँ मृतक भी पहले चोरी और 3 मुकदमे हैं उस पर चोरी के और 365 और 2 चोरी के मुकदमे मृतक का 3 मुकदमे हैं मृतक का भी अपराध किया। ये 3-4 लोग एक साथ चलते थे और चोरी की वारदात करते थे इस जिले में भी और आसपास भी इन्होंने घटनाएं करी है उसी रंजिश को लेकर के कि पैसा बांटने को लेकर के विवाद हुआ और उसी में हत्या हुई। सर गैंग है इनका कोई? हाँ गैंग है ऑफकोर्स चोरी करने का गैंग है। और लोग हैं कि बस इतने? बस ये 5 ही लोग शामिल थे। इन्होंने जो घटनाएं बताई थी वो एक घटना बताई थी देवरिया साइड की कोई उसमें एग्जैक्ट जगह नहीं बताई इन्होंने और एग्जैक्ट वो प्लेस नहीं बताया जहाँ पर घटना करी थी और इन्होंने चोरी की कुछ वारदातें करी है पहले उसके बारे में हम छानबीन कर रहे हैं कौन कौन सी वारदात इन्होंने करी। कुछ बरामद भी हुआ सर इनके पास से? हाँ बरामदगी इनसे जो घटना में शामिल जो ईंट और जिससे कुचला था इन्होंने वो नदी में फेंक दिया था उसके लिए हमने 201 धारा बढ़ाई है। ये रहने वाले सबके सब गोरखपुर के हैं और